हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज मैं जो आपको एप्लीकेशन बताने जा रहा हूँ दोस्तों, जिसमें आपको पर रेफरल्स 50 रुपये मिलेंगे, तो किस प्रकार आप वो 50 रुपये अर्न करोगे उसके बारे में आज आपको बताऊंगा। जैसा कि आपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन और टाइटल में पढ़ा था, उसी तो आपको क्या करना है, अपने फ्री रिचार्ज जो आजकल देखो पेटीएम के साथ साथ लोग फ्री रिचार्ज भी यूज करते हैं, क्यों पेटीएम में ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से कभी कभी प्रॉब्लम आती है, लेकिन फ्री रिचार्ज में कभी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो आप किस प्रकार अर्न करोगे 50 रुपये, तो उसके लिए आप देख लो इस वीडियो के लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ आप देख सकते हो, तो वहाँ कुछ प्रोमो कोड दिए हुए हैं, वो प्रोमो कोड आपको अपने रिचार्ज करते वक्त यूज़ करने हैं। वो किस प्रकार करोगे आप यूज़, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आज मैं आपको आप उसके ये 50 रुपये अर्न करने के लिए आपको शर्त ये होगी कि या तो आपको मतलब बिल्कुल न्यू रिचार्ज आपको करना पड़ेगा, और वो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से करना है। किस प्रकार करोगे, जैसे मैं आपको एक डीटीएच का रिचार्ज करके दिखा देता हूँ। जैसे अभी आप देख सकते हो, तो आपको डीटीएच का रिचार्ज करने के लिए, जैसे मैं एयरटेल डिजिटल टीवी का रिचार्ज करता हूँ, तो यहाँ पर मुझे कस्टमर आईडी लिखनी है। हाँ तो दोस्तों, जैसे ये मैंने कस्टमर आईडी डाल दी, उसके बाद में आगे करना है कंटिन्यूज। कंटिन्यूज करने के बाद अब जैसे कि मैं मिनिमम 100 रुपये का रिचार्ज आपको करके दिखाता हूँ, जिसमें आपको 50 रुपये कैशबैक मिलेंगे। किस प्रकार मिलेंगे, आपको आगे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर अपना मेन बैलेंस यूज़ नहीं करना है। मेन बैलेंस मैंने आपको दिखा दिया कि मेरे पास में मेन बैलेंस है अभी 20 रुपये, अभी मेरे को मतलब 80 रुपये इसमें और ऐड करने हैं, तो मुझे अभी यहाँ पर ये बैलेंस यूज़ नहीं करना है, जबकि मैं डेबिट कार्ड से रिचार्ज करूंगा तभी वो मिलेंगे। आपको यहाँ पर एक प्रोमो कोड दिया होगा, प्रोमो कोड में आपको ये कोड डालने हैं। इस वीडियो के लेफ्ट साइड में जो दे रखे दो कोड, दोनों में से कोई भी आप ये कोड यूज कर सकते हो। ये प्रोमो कोड बिल्कुल देख के और सही डालने हैं आपको। ये मैंने प्रोमो कोड डाल दिए, इसको ये अप्लाई कर दिए मैंने, तो ये बताएगा कांग्रेचुलेशन प्लीज प्रोसेस योर रिचार्ज यूज डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। तो अब इसमें बोल रहा है कि डेबिट कार्ड के जरिए, तो मैं अभी अपनी डेबिट कार्ड की डिटेल यहाँ पर फिलअप कर लेता हूँ। दोस्तों मैंने डेबिट कार्ड की रिक्वेस्ट डाल दी, अब उसके बाद ओके करता हूँ। ओके करने के बाद अब मुझे प्रोसेस टू रिचार्ज पे क्लिक करना है। ये मैंने रिचार्ज पे क्लिक किया, तो अब मेरे नंबर पर एक ओटीपी आएगा, जिसमें मतलब 100 रुपये मुझे बैंक से ट्रांसफ़र करने हैं रिचार्ज के लिए। दोस्तों यहाँ पर वन टाइम ओटीपी आएगा, वन टाइम ओटीपी को मुझे यहाँ पर लगाना है, तो अभी मैं ओटीपी यहाँ पर डाल देता हूँ। ये ओटीपी आपके नंबर पर जो आपके बैंक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होंगे उसी के ऊपर आएगी। और सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। तो ये रिचार्ज सक्सेसफुली हो गया, और अब जाके देखेंगे अपन मेन अकाउंट में, तो अपने को 50 रुपये कैशबैक शो कर लेगा। आप ये देख सकते हो जो मेरे 20 रुपये थे, 20 रुपये की जगह अब ये 70 रुपये हो गए हैं।
ये मैं माई ट्रांजेक्शन में जाके आपको दिखा लेता हूँ जो सक्सेसफुली हो गए हैं। आप ये देख लो, कैशबैक 50 रुपये सक्सेसफुली ऐड हो गए। तो दोस्तों इस तरह से आप मतलब 5,000 रुपये तक की अर्निंग कर सकते हो किसी भी रेफर कोड को यूज़ करके। ये दोनों दो प्रोमो कोड मैंने जो दे रखे हैं, ये प्रोमो कोड आप मतलब कितनी बार भी यूज़ कर सकते हो, और अपने यार दोस्त मित्र मिलने वाले रिश्तेदार या अपने फ्रेंड्स के किसी के भी अगर आप रिचार्ज करते हो तो फ्री रिचार्ज का यूज़ करके आप पर रिचार्ज पर 50 रुपये कैशबैक यूज़ कर सकते हो। आपको क्या करना है, मैंने जो दो प्रोमो कोड दे रखे हैं तो दोनों कंटिन्यूज यूज़ नहीं करने हैं। एक बार अगर ये वाला कोड, दोनों में से कोई भी एक कोड यूज़ करना है और हर बार चेंज करके यूज़ करना है। तो आप दोनों ही रेफर कोड यूज़ कर सकते हो और 5 और 5 मतलब 10,000 रुपये तक की अर्निंग आप इजीली कर सकते हो। तो दोस्तों जिसे भी मेरा वीडियो अच्छा लगा है वो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। आपका आप भी अर्न करो और आपका फ्रेंड भी अर्न करे। थैंक्स, थैंक यू सो मच। और जिसे मेरा वीडियो अच्छा लगा वो लाइक करके, और न्यू यूजर जो भी भाई देख रहा है ऐसे ही ट्रिक्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स, थैंक यू सो मच।